हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमर जयसवाल और मैं आपका अपने इस चैनल ऑफिसर सेकेंड में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जो लेके आया हूँ वो NTPC जो होने वाला है हमारा 7वां चरण, और उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, वो मैंने एक सेट तैयार किया है। और ये मैं चाह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे एक एक सेट मैं प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोगों को। ये 20 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस है और ये जो भी क्वेश्चंस है हमारा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जो कि हमारा अभी जो 6 चरण हुआ है NTPC का, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे उसके प्रॉपर एनालिसिस के बाद एक अच्छे से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, और उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चंस को रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 23 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में, तो आप लोग इस सेट को डेली बेसिस पे कर सकते हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आप लोगों का काफ़ी रिवीजन होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो भी आप यहाँ से सीखोगे। सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ये हमारा एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसे हमें सरल करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x³ प्लस 3x इंटू 1, 3x। तो ये देखो, ये 3x और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो बचा क्या हमारा, x³ और 3x³, ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएगा, डेट इज 4x³। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आइए चलते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, आप लोग क्या करो, हर एक क्वेश्चन जैसे ही आता है आप लोग वीडियो को पॉज करो, उसे ट्राई करो, आप लोग से आंसर आता है नहीं, उसके बाद मैं उसे बनाऊंगा, फिर प्ले करके आप लोग देख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। तो ये हमारा गिवन ऑब्जर्वेशंस है, इनके बहुलक को फाइंड करना है। बहुलक क्या होता है, जो भी हमारा गिवन ऑब्जर्वेशन होता है उन ऑब्जर्वेशंस में से वो ऑब्जर्वेशन हमारा बहुलक होता है जो ज्यादा नंबर में होता है, जिसकी संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। हम लोग यहाँ देखें अगर, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसे सजा सकते हैं, लाइक टू हमारा सबसे छोटा नंबर है, लेकिन टू कितने टाइम से, एक बार, दो बार, तीन बार एंड चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो 4 बार 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद तीन भी है, तो तीन कितने टाइम से, एक बार, दो बार एंड तीन बार, तो यहाँ तीन तीन बार लिख दूँ। चार कितने बार है, एक बार, सिर्फ एक बार। पांच कितने बार है, एक बार, दो बार, पांच दो बार है, और आठ, आठ तीन बार है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ कितने तरह के नंबर है, यहाँ एक एक तरह के ये नंबर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा और ये पांचवा, पांच तरह के नंबर है, लेकिन पांचों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, दो का, मतलब दो जो है वो 4 बार आया है, राइट। तो हमारा इसका बहुलक क्या हो जाएगा, दो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, ये हमारा पॉलीगॉन का एक क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक आंतरिक कोण क्या है, 156 है, इंटरनल एंगल कितना है, 156 डिग्री, और हमारा होता है नंबर ऑफ जो साइड्स हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब भुजाओं की संख्या, एन बराबर होता है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल, राइट। तो और हम लोग जानते हैं इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना होता है हमारा, 180। तो हमारा एक्सटर्नल एंगल क्या निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, घटाने के बाद हमारा कितना आ रहा है, देखो 4 और 2, 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 24। अगर हम लोग इसे कैंसिल करते हैं 12 से, 12 टू जो 24 और 12 से 30 टाइम्स में, और 2 से कितने टाइम्स कट रहा है, 15 टाइम्स में। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा कितना होगा, 15। सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है अ सम ऑफ रुपीस 2400 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, फाइंड द अमाउंट। मतलब 2400 रुपए का राशि, मतलब प्रिंसिपल हमारा 2400 दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए मतलब टाइम हमारा 3 इयर्स दिया हुआ है, और रेट हमारा क्या है, 8% दिया हुआ है। तो पूछ रहा है संपूर्ण राशि ज्ञात करें, मतलब 3 साल के बाद अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा, और अमाउंट बराबर हमारा क्या होता है, एस आई प्लस
मतलब साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमें गिवन है, साधारण ब्याज निकालना है, तो एसआई हमारा क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी, मतलब आठ या 24/100, तो जीरो से जीरो कट गया, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो ये हमारा ऐसा ही हो गया। अब प्रिंसिपल कितना है 2400, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा 6792, मतलब 2976। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट व्हेन रुपीस 1250 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है जिसमें गिवन है हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1250 है, टाइम जो है हमारा वो 1 ईयर का है और रेट हमारा क्या है 16%, बट रेट जो है ना वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक के केस में क्या होता है, रेट हमारा आधा हो जाता है और टाइम हमारा दोगुना हो जाता है, जबकि टाइम हमारा एक ईयर गिवन था, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे दो, प्रिंसिपल ये हमारा रेट ये। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग सिंपली जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 4 से काटो तो कितना हो गया 1250 × 27 का स्क्वायर, मतलब 729, और 25 का स्क्वायर मतलब 625। 25 से काटो इसे, 25 और 25 50, और ये दो बार में कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9 × 18 = 8, बाकी 1 × 2 = 4 = 5 और 7 × 14, मतलब 1458 हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, इसमें दिया हुआ है एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब लंब वृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या जो है वो हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें आयतन पूछा है कितना होगा। आयतन का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब 3, तो ये 7 से 7 बार में कट गया, तो 22 × 7 × 3। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता एग्जाम में तो मैं इसे ऑप्शन से चेक करता, यहाँ 22 का एक जो फैक्टर होता है वो क्या होता है 11 होता है, इट मीन्स जो भी ये प्रोडक्ट आएगा मतलब जो भी ये वॉल्यूम आने वाला है वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। अब इन चार ऑप्शन में देखो 11 का मल्टीपल हम लोग ऑड नंबर के, सबको पता होगा 11 का मल्टीपल हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो ऑड नंबर के प्लेस पे जो नंबर है वो और इवन नंबर के प्लेस पे जो नंबर है वो, उनका जो डिफरेंस होगा ना वो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो इसमें देखें 0 + 4 = 4, 4 में से गया -2, तो ये नहीं होगा 11 से मल्टीपल। यहाँ 4 × 2 = 6, 6 में से गया 0, तो ये हो सकता है 11 का मल्टीपल। 4 × 4 = 8 में से गया 2, ये नहीं होगा। 8 × 4 = 12 में से गया 6, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है ना वो 11 का मल्टीपल है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब हमारा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्ध गोले का 3 πr² 3 πr² मतलब 21 × 21। तो देखो ये 7 से 3 बार में कटा, तो अब जो हमारा जो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है वो क्या रहा है 3 × 22 × 3 × 21। तुम देख सकते हैं ये जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 11 का भी मल्टीपल होगा, साथ साथ 3 × 9 का भी मल्टीपल होगा, तो हम लोग किसी से भी चेक कर सकते हैं। 11 से चेक करना आसान थोड़ा लग रहा है, मैं वो चेक कर लेता हूँ, 8 × 2 = 10 5 × 4 = 9 नहीं होगा, 8 × 3 = 11 5 × 4 = 9 ये भी नहीं, 8 × 4 = 12 5 × 4 = 9 ये भी नहीं होगा, 8 × 1 = 9 5 × 9 9 में से 9 गया 0, तो ये हमारा 11 का मल्टीपल है, सो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 308 और 4 है और दोनों संख्याओं में से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, LCM × HCF = PO2 नंबर, राइट। एलसीएम हमारा 308 है, एचसीएफ हमारा 4 है, दोनों में से एक नंबर 28 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो 4 से 7 बार में गया और ये 7 से कितने बार में जाएगा 7 × 28 मतलब बी बराबर क्या हो गया 44, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। बट अपने अगले क्वेश्चन पे इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में लग रहा है काफी लंबा चौड़ा है। इसमें गिवन है एक छात्र ने कुल 500
की एक परीक्षा में 140 अंक प्राप्त किया, मतलब एक छात्र है जिसे 500 नंबर का कुल एग्जाम हुआ उसमें 140 नंबर लाया, यदि वह 10 अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया, अगर वो 10 नंबर और ले आता ना तो वो पास हो जाता, मतलब 150 नंबर में वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब जो पासिंग परसेंटेज है वो फाइंड करना है। तो 150 में वो पास कर जाता और टोटल कितना है 500, और ये यही परसेंटेज हमें पूछ रहा था, ये 0 0 कट गया, पास से कितने बार में कट गया 30%, मतलब अगर वो 30% मार्क्स लाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है एक वस्तु को 490 में बेचने पर दुकानदार को 12.5% की हानि होती है, और 12.5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि 12.5% का हानि हो रहा है। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8, इसका मतलब ये हमारा क्या है सीपी, और ये हमारा क्या है हानि मतलब लॉस, और ये 490 क्या हमारा है एसपी, राइट। तो सीपी में से लॉस को अगर घटा दें, एसपी क्या होता है, सीपी में से अगर लॉस को घटा दें तो हमारा क्या होगा एसपी, एसपी हमारा क्या हो गया 7, 8 में से एक गया 7, तो ये 7 यूनिट जो है ना वो 490 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने का होगा 70 का। अब बोल रहा है कि 12.5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 12.5% का फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/8 होता है, अगर ये सीपी है तो ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा ये एसपी हो जाएगा। तो 12.5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 9,963। ऐसे क्वेश्चन को बनाते वक्त एक चीज हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सीपी का जो यूनिट था, यहाँ पे जो सीपी का यूनिट है वो दोनों सेम है, इस कारण से हम लोग डायरेक्टली इसी एक यूनिट का वैल्यू को 70 मान लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पहले हमें दोनों सीपी को क्या करना पड़ता, इक्वल करना पड़ता, तो उसके बाद हमें जो एसपी आता उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार को लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वो खरीद के साथ साथ बेचते समय भी 20% का धोखा करता है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसका दो तरह का आंसर आता है, ठीक है, एक हमारा हो गया जो कि रेलवे वगैरह सबका आंसर होता है, और एक होता है एसएससी का, एसएससी का स्पेशल आंसर होता है, तो एसएससी वाले बच्चों को पता होगा इसका स्पेशल आंसर जो होता है वो क्या होता है 20 + 20 + 20 × 20/100, मतलब ये हो गया 20 × 20 = 40 + 4 = 44। तो एसएससी वाले इसका आंसर 44 ही लगाएंगे, अगर 44 के अलावा कुछ भी लगाएंगे तो उसका क्या होगा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अदर एग्जाम में इसका आंसर क्या होने वाला है। मान लो कि 1000 ग्राम का दाम क्या है 1000 रुपया, ठीक है, लेकिन वो 20% का चीटिंग करता है खरीदने वक्त, इट मीन्स वो 1000 में कितना ग्राम खरीद लेगा 1200 ग्राम 1000 रुपया में, क्योंकि 1000 का 20% क्या होगा 20 × 500, 5 से इसको कर 200, तो 1000 + 200 1200, तो ये उसका सीपी हो गया, मतलब 1200 ग्राम का सीपी कितना हो गया 1000। अब वो क्या करता है बेचते समय 20% का धोखा करता है, इट मीन्स वो बोलता है कि हम आपको 1000 रुपया में 1000 ग्राम देंगे, लेकिन देगा कितना वो 800 ग्राम ही देगा, क्योंकि 20% का धोखा दे रहा है, लेकिन रुपया कितना लेगा 1000 रुपया, राइट। तो हमें यहाँ पे एसपी मालूम है, लेकिन इस एसपी को क्या हम लोग यूज करेंगे, नहीं, एसपी का यूज हम लोग कब करेंगे जब तक दोनों का जो अमाउंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कितना हम लोग वस्तु खरीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं वो दोनों सेम होगा तभी हम लोग प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं। इस दोनों को सेम करने के लिए हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि अगर दोनों का एलसीएम ले तो 24 आता है, राइट, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो ये 2400 ग्राम को 2000 रुपया में खरीद रहा है और ये 2400 ग्राम को 3000 रुपया में बेच रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से सीपीएसपी हमें मालूम चल गया है। तो यहाँ से लाभ कितना का हो रहा है बताओ, लाभ हो रहा है हमारा 1000 का, राइट, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 1000 बटे सीपी 2000 × 100%, मतलब ये 50% आ गया, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, लेकिन जब अगर एसएससी का एग्जाम कोई भी दे रहा है तो आंसर 44% ही लगाना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें गिवन है कि 484 को 2:5:4 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पांच हम लोग इसे ऑप्शन से देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा, बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो
हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन नंबर है ना, इसी में से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें, इन दोनों को 11 से डिवाइड दो, 11 8 88 20, फिर इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड दो, 4 2 8 4 5 20, तो 2:5, मतलब पहला दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये वाला पार्ट जो है ये 1:20 ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इन दो रेशियो को चेक कर लेते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो रेशियो को चेक कर लेते हैं सी एंड डी का। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 5:2, ये हमारा एलिमेंट हो गया क्योंकि हमें 5:4 ऑप्शन लाना है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 20:1, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। इसका रेशियो क्या होगा, अगर 22 से डिवाइड दें, 10:1, तो ये भी नहीं लेंगे। तो बचा हमारा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक वाला, ये वाला पार्ट, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब चौथा अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है ये गिवन है 32:36 समानुपात 72:x, इसे कहते हैं चौथा अनुपात, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 32/36 बराबर 72/x, ठीक है। तो ये 8 से देखो कट रहा है, 8 चौके 32, 8 9 72, 4 से 4 9 36, तो x बराबर क्या आ गया, 81। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति तीन समान दूरी जो है, तीन समान दूरी को हम लोग x, x और x मान लेते हैं, ठीक है। तीन समान दूरी को 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड की गति से तय करता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। यदि दूरी तय करने में कुल समय जो है 1 मिनट 25 सेकंड का लगा। अब हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल हमारा क्या होता है, समय होता है। तो x बटा 10 बटे x बटा 5 बटे x बटा 25 जो हो जाएगा, मतलब ये कुल समय आ गया हमारा। और ये समय किस चीज में आ रहा है ये बताओ, ये ऊपर में था मीटर में मान लो, और ये मीटर पर सेकंड में था, तो हमारा जो टाइम आएगा ना वो सेकंड में होगा। और यहाँ पे 1 मिनट 25 सेकंड, 1 मिनट 25 सेकंड कितना सेकंड होगा, 60 / 5 = 85, राइट। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 10 5 25 का, तो हमारा 50 आ जाएगा एलसीएम। ये हो गया 5x + 10x + 2x = 85। अब उसको जोड़ो तो अगर 10 5 15 तो 17, मतलब 17x / 50 = 85, तो 17 5 85, तो x = 250 आ गया। x = 250 आया तो हमारा कुल दूरी कितना होगा, 3x, 3 × 250 मतलब 750, सॉरी 750 मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, इसे मान लो 750। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से 3 गुना कुशल है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो बी द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। बी और ए है, ठीक है, ए बी से 3 गुना कुशल है। अगर बी एक काम को 1 दिन में करता है तो ए सॉरी अगर बी की इफिशियंसी को 1 माने तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना कुशल है उसका, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा, 4। और यदि दोनों मिलकर एक कार को 12 दिन में कर रहे हैं तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो 12 है। और हम लोग जानते हैं टोटल वर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी गुना टोटल टाइम, तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लेंगे, 4 × 12 = 48। अब ये पूछ रहा है तो बी द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, बी का एफिशिएंसी क्या है, 1। तो टाइम अगर देखो, अगर टाइम अगर हम लोग निकाले, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, राइट। तो टोटल वर्क हमारा 48 है, बी का एफिशिएंसी क्या है, 1, तो कितना हो गया, 48। इट मींस अगर बी इस काम को अकेले करता है तो उसको 48 दिन का समय लगेगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दो आउटलेट पाइप है जो भरे हुए टैंक को 24 मिनट और 36 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुलते हैं तो भरे हुए टैंक को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। तो एक जो है वो 24 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो मान लेते हैं कैपेसिटी जो है ना टैंक का, वो इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। तो पहले पाइप का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा बताइए आप लोग, 3। इसको माइनस लिखते हैं क्योंकि खाली करने वाला है ना, हम लोग ड्रेन कर रहा है पूरा टैंक को, 36 × 72, तो माइनस 2।
तो अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल इफिशियंसी कितना होगा? माइनस फाइव, ठीक है। इसीलिए दोनों अगर मिलके काम करेगा तो कितने टाइम में वो खाली कर देगा? 72/5, मतलब ये कितना हो गया बताइए, 14 मिनट प्लस 2/5 मिनट, 2/5 को अगर 60 से गुना कर दे तो आंसर तो वैसे देख के पता चल गया कि 14 मिनट कुछ सेकंड होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर पूरी तरह से सॉल्व करना पड़े, हो सके 14 मिनट 10 सेकंड, 14 मिनट 12 सेकंड, ऐसा अगर ऑप्शन रहता तो उस कंडीशन आप लोग को तुरंत ऐसे सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। 14 × 5 = 70, 72/5, क्योंकि मिनट में इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, ये 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 × 24 मीन्स 14 मिनट 24 सेकंड। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है cosec थीटा इज इक्वल टू 13/5, और हमें फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। अब cosec थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और 5, 12, 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा ये P है और ये H है, तो ये हमारा क्या होगा, B होगा, राइट। साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी बाय एच मतलब 5/13, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच मतलब 12/13, दोनों को जोड़ना बहुत आसान, 17/13, हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप लोग पाउस करके बनाते रहो, जिससे आप लोगों को काफी फायदा होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2% लाभ और 14% लाभ के बीच का अंतर 288, ठीक है, ये लाभ का अंतर है। एक बार उसे 14% का लाभ हो रहा है, ठीक है, एक बार उसे 2% का लाभ हो रहा है, और उन दोनों का अंतर कितना है, 288। अच्छा, लाभ जो हम लोग निकालते हैं वो किस चीज पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, राइट। तो सीपी को हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। अब सी का 14% और सी का 2%, ये तो कुल लाभ हुआ ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 288, घटा दो तो 14 में से 2 गया 12% ऑफ सी, मतलब कितना हो गया 288, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकल जाएगा, सी बराबर 288/12%, 12% मतलब 12 × 1/100 पर चल जाएगा ये, इसको अगर डिवाइड दे से तो कितना आ जाएगा, 12 × 24 = 48, मतलब 2400 सीपी हमारा कितना आ गया भाई, सीपी हमारा आ गया 2400, राइट। अब हमें पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ प्रतिशत 20% है, तो सीपी का 120%, 120 मतलब 12/10, 0 0 मैंने काट दिया, हम लोग देखें जरा ध्यान से, ये हमारा कितना हो गया 12 × 0 = 0, 12 × 48 = 8, बाकी 2, 12 × 24 = 26, तो 28 तो 80 हमारा आंसर होगा। शायद इसमें ऑप्शन शायद कुछ गलत है, ठीक है, ये 2880 था, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करें। इस क्वेश्चन में कहा कि एक विद्यार्थी ने 25 में से 11 अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब 11 नंबर ला रहा है, कुल मार्क 25 है और प्रतिशत पूछ रहा है, तो 11 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 11 का मल्टीपल इसमें कौन सा दिख रहा है, 44, क्योंकि ये देखो 25 से 4 बार में कटा गया, 44, तो आंसर सी होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.1256 पे जो रैकरिंग है इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसका सिंपल रूल मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना, इस रैकरिंग, ये जो रैकरिंग है और इस पॉइंट को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, तो क्या बचेगा, बचेगा 1256, फिर एक माइनस का साइन देना। उसके बाद क्या करना, जो भी रैकरिंग के अंदर है ना नंबर, उसको ढक लेना, ठीक है। ढकने के बाद पॉइंट को भी मन में से हटा देना, तो बचा क्या 12, उसको घटा देना यहाँ पे, ठीक है, फिर डिवाइड लिखना। अब रैकरिंग के अंदर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 9 देना पड़ेगा। उसके बाद रैकरिंग और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 देना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आता है, 4412/9900। अगर मैं इसे 4 से काटूं, 4 से तो ये कट रहा है, राइट, हाँ, तो नीचे तो सब जगह नहीं कटना पड़ेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 24 × 75, तो 24 × 75 हमारा नीचे इसमें है और इसमें, मतलब ये दोनों का एलिमिनेट हो गया। ऊपर डिवाइड देते हैं 4 से, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, सॉरी 311, सॉरी ये 311 होगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें कहीं कहीं ऑप्शन में कुछ कुछ गड़बड़ी थी, तो वो मैं ध्यान से नेक्स्ट टाइम उसको फिक्स कर लूँगा।
ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने अगले सेट में, अगले सेट की प्रैक्टिस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे होंगे, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही अगर आप लोग कहेंगे ज़्यादा संख्या में तो मैं इस मतलब क्लास को लाइव भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।